नमस्कार, आरोग्य मंत्रालय शो में आप सभी का स्वागत है। आज नागपुर से सुप्रसिद्ध डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज ढोबड़े सर हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं डायबिटीज के विषय में आरोग्य मंत्रालय शो में। नमस्कार सर। नमस्कार सर, अगर हम डायबिटीज के विषय में जानना चाहें, हमारे देश में एक आम बीमारी है डायबिटीज, ठीक है, हर 10 में से 4 लोगों को हम देखते हैं कि उन्हें डायबिटीज है। अगर आसान भाषा में हम जानना चाहें तो डायबिटीज क्या होता है? डायबिटीज को जैसे हम बोलते हैं मधुमेह, ये शुगर, जैसे आसान भाषा में जो लोग बोलते हैं शुगर की बीमारी। अब ये शुगर की बीमारी होती क्या है? शरीर, इंसान के शरीर में खून में शुगर का एक लेवल नियंत्रित किया जाता है। जैसे एक, जैसे हम डायबिटीज़ में बोलते हैं मधुमेह में फास्टिंग कितना होना चाहिए, फास्टिंग मतलब खाली पेट, पोस्ट मील, पोस्ट मील मतलब खाना खाने के 1.5-2 घंटे बाद कितना होना चाहिए, उस नियंत्रण के बाहर अगर ये शुगर लेवल्स जाते हैं तो उसे हम कहते हैं कि इसको मधुमेह हुआ है या डायबिटीज़ हुआ है। फास्टिंग जैसे हम आइडियल पकड़ते हैं 100 के नीचे, पोस्ट मील पकड़ते हैं 140 के नीचे, 140 मिलीग्राम जो शुगर के लेवल्स होते हैं जांच करने के, उसके ऊपर काफ़ी सारे बात टेस्ट आते हैं जिससे हम निर्धारित करते हैं कि इसको पेशेंट को मधुमेह है कि नहीं है। अब ये मधुमेह होता क्यों है? जैसे हमारे शरीर में लीवर होता है, किडनी होती है, हार्ट होता है, वैसे ही एक अवयव है जिसको हम बोलते हैं पैंक्रियास। अब ये पैंक्रियास एक ग्रंथि होती है लीवर के बाजू में, जो एक पदार्थ होता है इंसुलिन, काफ़ी लोगों ने सुना होगा, इंसुलिन को सिक्रेट करता है, मतलब इंसुलिन बनाने का काम करता है। तो ये जो इंसुलिन होता है ये आपके इंसान के ब्लड में शुगर लेवल्स को कंट्रोल रखता है। अब जब ये इंसुलिन बनना कम हो, या फिर किसी में इंसुलिन की मात्रा ही बहुत कम हो या बनती ही ना हो, तो मधुमेह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या मधुमेह हो जाता है, क्योंकि आपका शुगर रेगुलेट करने वाला चैनल ही नहीं है। दूसरा, इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन आपका ये जो शुगर जो है ब्लड में, अब शरीर में जितने भी अवयव है, आप बोलिए लीवर बोलिए, हार्ट बोलिए, मसल्स बोलिए, सबको न्यूट्रिशन की ज़रूरत लगती है। अब न्यूट्रिशन आता कहाँ से? ब्लड से, शुगर के माध्यम में। तो ये जो ब्लड का शुगर है वो इन टिश्यूज़ जो हम बोलते हैं मसल या हार्ट या लीवर में जाना चाहिए। अगर इंसुलिन तो आ रहा है पेंक्रियास से, लेकिन वो अगर अपने कोशिकाओं पे काम नहीं कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं सेंसिटाइजेशन, अगर वो कोशिकाओं पे काम नहीं कर रहा है तो वो ब्लड का शुगर मसल में लीवर में नहीं जाएगा और ब्लड में ही रहेगा। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से डायबिटीज या मधुमेह होता है। सर, डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह, अगर हम सिर्फ डायबिटीज़ की बात करते हैं तो डायबिटीज़ में भी 2 टाइप के प्रकार माने जाते हैं, तो इस प्रकारों को आप कैसे देखते हैं? डायबिटीज़ में जैसे 2 प्रकार हैं जिसको हम बोलते हैं, एक टाइप 1 और टाइप 2। बेसिक भाषा में समझा जाए तो 2 प्रकार हैं। टाइप 1 मतलब ऐसे रोगी या पेशेंट जिनको जन्मजात ही पेंक्रियास में कोई डिफेक्ट है, या फिर पेंक्रियास में इंसुलिन बन ही नहीं रहा है। अब इंसुलिन नहीं बन रहा है तो उनका शुगर लेवल्स कंट्रोल होगा कैसे? तो उनको फिर उनका इलाज है इंसुलिन, उनको इंसुलिन पे ही रखना पड़ता है, वो पूरे इंसुलिन पर डिपेंडेंट होते हैं। दूसरा प्रकार होता है टाइप 2 डायबिटीज़। अब ये टाइप 2 डायबिटीज़ जो है बेसिकली ये होता है इंसुलिन सिक्रीशन डिफेक्ट प्लस जो मैंने बताया, जो खून में जो शुगर है वो आपके मसल्स में, लीवर में, किडनी में जाना चाहिए, सेंसिटाइजेशन, वो सेंसिटाइजेशन नहीं हो रहा है। अब ये जो टाइप 2 थोड़ा कॉमन है, इंडिया में बहुत लोगों में पाया जाता है, इंडिया में क्या, वर्ल्ड में पाया जाता है। आप वर्ल्ड में देखोगे तो हर 5 में से एक इंसान डायबिटीज़ पाया जाएगा। तो ऐसे प्रकार के 2 डायबिटीज़ हैं, मतलब जो पहला है उसमें पूरी तरह से इंसान इंसुलिन पर डिपेंडेंट है ट्रीटमेंट के लिए, और सेकंड में आपको इंसुलिन दवाई से भी होता है, लेकिन अल्टीमेटली कुछ कुछ पेशेंट्स इसलिए एडवांस लेवल पर पहुँच जाते हैं कि उनको दवाई काम नहीं करती, उनको इंसुलिन देना पड़ता है। सर, ये तो थे प्रकारों की बात, लेकिन अगर हम लक्षणों के विषय में जानना चाहेंगे तो किस प्रकार के लक्षण एक डायबिटिक्स पेशेंट में देखने मिलते हैं? लक्षणों की बात करें तो 60% लोगों में आपको कोई लक्षण पाए ही नहीं जाएंगे। जैसे हम बहुत बार हॉस्पिटल कैंप्स करते हैं, अब कैंप में आप देखा जाए तो हम शुगर हर एक पेशेंट का करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर मेरे कैंप में 10 लोग आ रहे हैं रूटीन चेकअप के लिए, जहाँ उनको डायबिटीज़ है ना कुछ भी है,
हम उसमें चेक करते हैं 10 में से 2-3 लोग डायबिटीज़ निकलते ही है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आपके सिम्टम्स है ही नहीं, मतलब सभी में नहीं बोल रहा हूँ मैं, 60% लोगों में इसको हम बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक। एसिम्प्टोमेटिक मतलब उनको लक्षण है ही नहीं। कुछ लोग तो ऐसे आते हैं हमको रूटीन चेकअप करवाना है और हम शुगर देखते हैं तो 300, तो वो लोग पेशेंट भी हमसे पूछते हैं कि ये कैसे हो गया जी। हम भी उनको यही समझाते हैं कि ये जो प्रकार का टाइप 2 प्रकार का डायबिटीज़ है ये बहुत लोगों में सिम्टम्स करता ही नहीं है। अब 60% तो ये लोग हो गए, बाकी जो 40-50% लोग बचे हैं उनमें सिम्टम्स क्या होते हैं? प्यास बहुत लगना, पेशाब बार बार होना, ज़्यादा पेशाब लगना, बहुत भूख लगना, ये 3 सिम्टम्स बहुत कॉमन है जो आपको 30-40% लोगों में मिल जाएंगे। ये होते हैं मुख्य डायबिटीज़ के सिम्टम्स। ये तो हो गए सिम्टम्स की बात। अगर सर हम निदान संबंध में बात करते हैं तो किस प्रकार से निदान हो पाता है कि ये व्यक्ति डायबिटीज़ पेशेंट ही है? अब डायबिटीज़ में सबसे पहले जो अपन टेस्ट करते हैं वो रैंडम ब्लड शुगर, जैसे हम कैंप में आते हैं हमको स्क्रीनिंग करना है। अब कैंप में अगर मेरे पास 100 पेशेंट्स आते हैं तो मैं हर एक का फास्टिंग पोस्ट मील ये करना पॉसिबल नहीं है, तो हम सबसे पहले देखते हैं रैंडम ब्लड शुगर। रैंडम अगर डेफिनेटली 200 ऊपर है तो हम उसको स्क्रीन करते हैं। ऐसा नहीं है कि सब रैंडम के भरोसे हो जाता है, जिसमें सिम्टम्स भी है। दूसरा है फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी के मदर फादर में डायबिटीज़ है तो उनको स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि वो डायबिटीज़ होंगे, तो ऐसे लोगों को हम रूटीन चेक का एडवाइस भी करते हैं। अब फास्टिंग पोस्ट मील आपको पता है, फास्टिंग मतलब खाली पेट है वो चेक कर लिया, पोस्ट मील खाना खा के 1.5-2 घंटे बाद वो भी चेक कर लिया। अब दूसरा एक और टेस्ट होता है, इसको हम बोलते हैं HbA1c, वो एक एवरेज टेस्ट होता है, 3 महीनों का दिखाता है। सपोज पेशेंट अगर मेरे पास आज शुगर लेवल लेके आया है कुछ, मेरा कुछ शुगर लेवल है 250 या 300, मुझे शुगर लेवल पहले से नहीं था, तो मुझे कैसा पता चलेगा कि ये मुझे कितना सीवियर है या फिर कितना माइल्ड है या मॉडरेट है? अपन वो एक रीडिंग के भरोसे नहीं बता सकते। तो ऐसे में एक टेस्ट आती है HbA1c, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। वो एक ऐसी जांच है जो आपको बताती है कि आपका एवरेज 3 महीनों में आपका शुगर कितना था, उसकी रीडिंग्स होती है। बिलो 6 भी हम कंसिडर करते हैं कि ठीक है, 6-7 के बीच माइल्ड, 7-10 वैल्यूज इंक्रीज होती है, 8-9-10-11-12-13-14-15 भी होती है, जिसमें ज़्यादा है डेफिनेटली 7 के ऊपर हम पकड़ते हैं कि डायबिटीज़ तो है ही, 9 है 10 है 12 है, तो ऐसे लोगों में बोलेंगे कि आपको शुगर काफ़ी अनकंट्रोल्ड है, आपको मेडिसिन लगेगी लेकिन एक मेडिसिन से काम नहीं होगा। जिसमें 6 है 6.5 है थोड़ा रहता है, ऐसे लोगों में कुछ निदान कुछ ट्रीटमेंट्स जो मैं बोलूँगा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वो भी काम करती है, लेकिन निदान के लिए रैंडम ब्लड शुगर, फास्टिंग, पोस्ट मील एंड HbA1c, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सर अक्सर देखा गया है कि हमें अगर पर्टिकुलर कोई बीमारी है, जैसे लिवर से संबंधित कोई बीमारी है तो लिवर का टेस्ट होता है, ठीक है, अगर हमें किडनी से संबंधित कोई बीमारी है तो किडनी का टेस्ट होता है। शुगर यानी डायबिटीज़ या फिर मधुमेह, ये बीमारी पैंक्रियास से संबंधित है, लेकिन क्या जब एक पेशेंट को शुगर बताया जाता है तो उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि उसका पैंक्रियास का भी एक टेस्ट होना चाहिए, जहाँ से पता चले कि हाँ ये गड़बड़ी इस पर्टिकुलर मैंने उसके अवयव से नहीं? सही बात है, ये पैंक्रियास में भी जैसे इंसुलिन निकलता कहाँ से? पैंक्रियास, पैंक्रियास उसको सिक्रीट करता है। सिक्रीट मतलब जैसे मैं कॉमन भाषा में बोलूँ तो हमारी जो ग्रंथियाँ होती हैं, जैसे मुँह में ग्रंथियाँ होती हैं जो सलाइवा सिक्रीट करती है, सलाइवा मतलब हमारी लाड़ जो खाने को पचाती है, वैसे ही एक ग्रंथि होती है पैंक्रियास जो इंसुलिन बनाती है। अब पैंक्रियास इंसुलिन बना तो रही है, सच में पैंक्रियास में इंसुलिन बचा है, अब उसमें से भी इंसुलिन कौन बनाता है? पैंक्रियास में कुछ सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं बीटा सेल्स, तो वो इंसुलिन बनाती है। अगर बीटा सेल्स पेशेंट के बहुत अच्छे हैं तो इंसुलिन का सिक्रीशन उसका अच्छा होगा। इसके लिए एक टेस्ट आती है सी पेप्टाइड, जो हम डायबिटीज़ लोगों में रूटीनली करते हैं, अगर उसका सी पेप्टाइड लेवल्स नॉर्मल है तो मतलब उसमें इंसुलिन बन रहा है। अब इसका फ़ायदा क्या हो? इंसुलिन बन रहा है मतलब
इंसुलिन आ तो रहा है लेकिन वो जो कोशिकाओं पे काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है। तो हमें ट्रीटमेंट में ध्यान देना होगा सेंसिटाइजेशन पर। आजकल टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस है, दवाइयाँ भी बहुत सारी आ गई हैं, तो हम इंसुलिन भी एक पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है, लेकिन ये टेस्ट से हम इतना मालूम कर सकते हैं सीपैप से, पेपराइज से, कि पेशेंट की बॉडी में इंसुलिन है। हमें सिर्फ वो इंसुलिन को उसका काम करने की राह दिखानी है, और ये सीपेप्टाइड टेस्ट इसी मामले में बहुत कारगर है। ये तो थी निदान संबंध में बातें। सर अगर हम उपचार संबंध में बात करें तो किस प्रकार की उपचार पद्धति डायबिटीज इस पर उपलब्ध है? डायबिटीज पे जैसे देखा जाए, सबसे पहले हम बताते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अब ये होता क्या है? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे पहले आता है आपका डाइट, एक्सरसाइज। मॉडिफाई मतलब करना क्या है आपको? अब डायबिटीज़ है, शुगर लेवल्स ज़्यादा है, डेफिनेटली आपको डाइट पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। आपको शुगर्स जो अपन हम खाते हैं, वाइट शुगर, टोटली बंद करना होगा। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन दूसरा आता है एक्सरसाइज, ब्रिस्क वॉकिंग 30-45 मिनट्स आप 1 आवर तक कर सकते हैं। वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। कैसे मैटर करेगी? जैसे मैंने आपको अभी बताया, सी पेशेंट के शरीर में अगर इंसुलिन है, हम वो जांच कर लेंगे, सी पेप्टाइड नॉर्मल आ गया, इंसुलिन तो है, लेकिन फिर भी पेशेंट की शुगर ज़्यादा है। अब सवाल ये है, इंसुलिन तो है, फिर वो काम क्यों नहीं कर रहा? काम क्यों इसलिए नहीं कर रहा है कि उसका सेंसिटाइजेशन नहीं हो रहा है। उसलिए लाइफस्टाइल उसमें भी काफ़ी कारगर काम करती है। आप एक्सरसाइज कीजिए, योगा, प्राणायाम, रूटीन ब्रिस्क वॉक, ये चीज़ों से आपका लीवर का, मसल का, जो इंसुलिन, जो शुगर इनमें डालना चाहता है, उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी। मतलब जो शुगर लेवल्स ब्लड में बढ़े हुए हैं, इंसुलिन तो है आपके पास, लेकिन वो शुगर लेवल जहाँ डिपॉजिट होने चाहिए, जहाँ उसका यूज़ होना चाहिए, वो यूज़ नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे इसमें लाइफस्टाइल काम करता है। डाइट में भी आपको आजकल डाइट चार्ट्स बोलो या डाइटिशियंस या रूटीन हेल्थ केयर वर्कर्स इतने हो गए हैं कि आपको हर कैंप में या हर घर घर जाकर कुछ एजुकेशंस दे रहे हैं। डायबिटिक एजुकेशंस बहुत हो रहे हैं, वहाँ आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं कि हमें इसमें क्या खाना चाहिए, क्या फल खाने चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसकी सब जानकारी दी जाती है। अब ये एक पार्ट होगा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अब ये पार्ट कब काम करेगा? काम तो सब में ही करेगा। जैसे जैसे मैंने बताया आपको, एक HbA1c टेस्ट होता है। अगर उसका शुगर HbA1c में आता है 6-6.5 आ जाता है, तो 6.5 हमको पता है कि ये बॉर्डर लाइन है, ये इसका फास्टिंग पोस्ट मील भी करेंगे तो बॉर्डर लाइन ही आएगा। तो हम ऐसे चीज़ों में मेडिसिन अवॉइड करके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन काफ़ी ध्यान दे सकते हैं। इससे ये होगा कि बॉर्डर लाइन का जो आपका शुगर लेवल्स है वो नॉर्मल की तरफ जाएंगे। इसमें एक डायबिटीज़ में वर्ड भी होता है, प्री डायबिटीज़। अब ये प्री डायबिटीज़ क्या होता है? प्री डायबिटीज़ है एक अर्ली स्टेज, जिसको हम प्रॉपर लाइफस्टाइल बोलो या कुछ नॉर्मल अर्ली मेडिसिन से उसको रिवर्ट कर सकते हैं। सपोज उसका शुगर एक बॉर्डर लाइन रेंज में है, फास्टिंग शुगर 125 से ऊपर हम बोलते हैं इसको डायबिटीज़ हो गया। हमने क्या बताया था कि 100 के नीचे नॉर्मल है। अब आप बोलोगे कि 100 से 125 के बीच में क्या है? ये होता है प्री डायबिटीज़। अब प्री डायबिटीज़ में हम ये लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, डाइट, जो भी योगा, प्राणायाम, ये प्रॉपर करते हैं, प्रॉपर डेडिकेशन से करते हैं, तो देर आर वेरी बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपका प्री डायबिटीज़ का फेज नॉर्मल में चला जाएगा। वंस ये फेज डायबिटीज़ में चला गया, मतलब आपका डायबिटीज लेवल्स क्रॉस कर गए, देन यू कैन कंट्रोल इट टू प्री डायबिटिक लेवल, और आप एक लेवल तक कंट्रोल कर पाते हो। लेकिन प्री डायबिटिक एक ऐसी स्टेज है जिसको आप उस स्टेज से नॉर्मल स्टेज में आप ला सकते हो ऑन बेस ऑफ दिस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अब ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हो गया टैबलेट्स। टैबलेट्स में अभी काफ़ी प्रकार आ चुके हैं। एक कॉमन टैबलेट जो सबको पता होती है वो मेटफॉर्मिन, जो काफ़ी लोग लेते हैं। कुछ कुछ टैबलेट्स अभी नई आई हैं, सेंसिटाइजर्स के नए आए हैं। और दूसरा पार्ट होता है इंसुलिन। अब इंसुलिन किस में लगेगा, टैबलेट्स किस में लगेगी, ये डेफिनेटली आपको पेशेंट चेक करके उसके HbA1c लेवल्स, उसके सी पेप्टाइड लेवल्स, उसका हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, ये सब चीज़ें आप समझ के, देख के, अकॉर्डिंग टू पेशेंट ये मॉडिफाई होता है। मतलब एक कारगर थेरेपी एक पेशेंट में काम होगी और दूसरी थेरेपी और दूसरे मेडिसिन दूसरे पेशेंट में काम में आएंगे। ये इस प्रकार से इसके
तीन लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, आपका टैबलेट्स हो गए और एक आपका हो गया इंसुलिन। सर ये तो आपने हमारे दर्शकों को उपचार के बारे में बताया और काफ़ी अच्छी जानकारी आपने हमें दी, लेकिन सर हम बात करें बचाव संबंध में, प्रिवेंशन, तो कैसे इससे बचा जा सकता है कि डायबिटीज़ ही ना हो? वो तो है, प्रिवेंशन इज डेफिनेटली बेटर देन क्योर। अब बचाव के लिए क्या करना चाहिए? अब हमारे एक तो जैसे मैंने बताया डायबिटीज़ के कारण क्या है, हमारे जेनेटिक मदर फादर में है तो हमको बहुत ज़्यादा चांसेस है कि डायबिटीज़ होगा, तो हमें केयरफुल रहना है। केयरफुल जैसे मैंने बताया रूटीन लाइफस्टाइल, आपका एक 30 टू 45 मिनट्स की एक्सरसाइज होनी ही चाहिए। डाइट, डाइट जो हम रूटीन डेज में काफ़ी निगलेक्ट करते हैं, हमको ऐसा लगता है कि खाना तो है, ये भी खा लो वो भी खा लो, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर क्या खाना चाहिए, आपके लिए क्या सूट करता है। हर एक की बॉडी अलग अलग होती है, भले ही डायबिटीज पेशेंट्स आप 100 डायबिटिक पेशेंट को देखो, लेकिन उस उन 100 में दवाई की मात्रा, इंसुलिन की मात्रा कितनी लगेगी, ये सबको डिफरेंट होगी। उनके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन उनके हिसाब से, अब कोई कोई ओल्ड एज पेशेंट होते हैं वो उतना वॉकिंग या ब्रिस्क वॉकिंग नहीं कर पाते, उनके हिसाब से जो उनको सूटेबल हो वो करके उनको बताना पड़ता है। डाइट फैक्टर्स भी बहुत इसमें काम करते हैं, तो बेसिकली हमको ध्यान रखना है हमारी जीवन शैली पर, हमारी जीवन शैली कैसी है, हमें उसमें क्या सुधार करना चाहिए। स्ट्रेस लेवल्स, नींद का लेवल, जो हम आजकल ये जो वर्क में इतना बिजी हो गए हैं हम बॉडी की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। आजकल जो बीमारियाँ हो रही है, काफ़ी बीमारियाँ, डायबिटीज़ भी बहुत लोगों में हो रहा है, हार्ट अटैक्स यंग में आ रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? ये बिकॉज ऑफ आवर चेंज लाइफस्टाइल, हमारे स्ट्रेस लेवल्स, नींद ना होना और लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ डाइट नॉलेज, ये सब की वजह से हो रहा है। सर एक और सवाल, कहा जाता है कि काफ़ी लोगों में ये धारणा है कि एक बार डायबिटीज़ हो गया तो जीवन भर आपको डायबिटीज़ को साथ लेके चलना है, डायबिटीज़ कभी ठीक नहीं होता है, इस बात में कितनी सच्चाई है? जैसे मैंने बताया अभी, डायबिटीज़ के पहले की स्टेज होती है प्री डायबिटीज़। अब प्री डायबिटीज़ में जो अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मैंने बताया, कुछ दवाइयाँ उस स्टेज को कंट्रोल कर पाए तो डेफिनेटली आपका डायबिटीज़ रिवर्ट हो जाएगा, प्री डायबिटीज़ रिवर्ट हो जाएगा। डायबिटीज़ एक बार होने के बाद आप उसको रिवर्ट नहीं कर सकते, यू हैव टू, आपको जीवन भर लेके चलना है। डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि कंट्रोल नहीं होता है, होता है, बहुत लोगों के मेडिसिन बंद भी हो जाते हैं, लेकिन एक बार डायबिटीज़ हो जाए तो भले ही बहुत लोगों को ऐसा मानना होता है कि हमको डायबिटीज़ है लेकिन हमारे शुगर लेवल तो बहुत अच्छे आ गए तो हमको मेडिसिन की क्या ज़रूरत है, हम तो बंद कर देंगे, लेकिन वो टेम्पररी फेज़ होता है। आप कुछ दिन तक आपका शुगर नॉर्मल रहेगा, आप देखोगे कुछ महीनों बाद आपका शुगर उसी लेवल पर चले जाएंगे। आपको डायबिटीज़ के साथ अगर जीना है तो उस घबराने की बात नहीं है, आपको अपने जीवन शैली पर ध्यान रखना है। अगर मेडिसिन सब आपको चल रहे हैं तो मेडिसिन ध्यान से लेना है और रेगुलेटेड लाइफ करना है जिससे आपका ये कंट्रोल में रहे। और वो जैसे मैंने बताया प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, प्री डायबिटिक फेज आप रिवर्ट कर सकते हो, वही एक स्टेज है जहां आप मेहनत लेकर डायबिटीज़ होने से बच सकते हो। एक बार डायबिटीज़ हो गया देन यू हैव टू हैव डायबिटीज़, यानी एक बार डायबिटीज़ हो गया तो आपको डायबिटीज से जीना जरूर है, उसे कंट्रोल किया जा सकता, कंट्रोल किया जा सकता है, बस इतना ही। डायबिटीज़ में सिर्फ डायबिटीज़ एक सिंगल बीमारी नहीं है कि इसमें इंसुलिन कम हो गया, ज़्यादा हो गया, आपके ब्लड शुगर बढ़ गए, डायबिटीज़ आपकी पूरी बॉडी को अफेक्ट करती है। अब मुझे बताइए, डायबिटीज़ से हार्ट अटैक आते हैं, ब्रेन स्ट्रोक पैरालिसिस होता है, किडनी ख़राब होती है, लीवर में प्रॉब्लम आते हैं, हमारे जो रक्त वाहिनी जिसको बोलते हैं हम, उसमें क्लॉट्स बन जाते हैं, ये डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है। डायबिटिक फुट होता है, फुट मतलब आप देखा होगा बहुत से डायबिटीज़ के ज़ख्म भरती ही नहीं है। डायबिटिक न्यूरोपैथी एक बीमारी होती है, बहुत सारे जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होते हैं, बहुत सालों से अनकंट्रोल्ड है, दवाई तो ले रहे लेकिन जितनी मात्रा में चाहिए उतना नहीं ले रहे, तो उनके पैर की नसें सुन्न पड़ जाती है, वो जब चलते हैं ज़मीन पर उनको ऐसा कुछ फील ही नहीं होता कि कुछ है, उनको लगता है हम कपास पे चलते हैं। ऐसे भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो मेन है डायबिटीज़ कंट्रोल करके, आपको मेन है कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करना। कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट कर दिए तो आप डायबिटीज़ संभालना बहुत इजी है। एक बार कॉम्प्लिकेशंस चालू हो गए तो कॉम्प्लिकेशन ही संभालते रहना होगा।
सर एक डॉक्टर होने के नाते नागपुर में आपने काफ़ी अच्छी सुविधाएं दी है, काफ़ी अच्छा रोल निभाया डॉक्टर होने का। सर अगर हम इंटीग्रिटी हॉस्पिटल की बात करते हैं तो किस प्रकार की सुविधाएं पेशेंट के लिए इंटीग्रिटी हॉस्पिटल में उपलब्ध है? इंटीग्रिटी हॉस्पिटल हमने एक महीना हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ, इनॉग्रेशन हुआ है। मैं डॉक्टर पंकज ढोगले MD मेडिसिन, मैं एक डायरेक्टर हूँ और मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर अमोल कोकास, वो भी मेरे साथ डायरेक्टर है। ये एक मल्टी और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, इसमें ICU है 15 बेड्स, हमारा एक बड़ा ऑपरेशन थिएटर है, छोटा ऑपरेशन थिएटर है जहाँ सब कुछ चीज़ों के ऑपरेशन होते हैं, जनरल सर्जरीज, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज, फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, गर्भवती महिलाओं के लिए गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट है, डॉक्टर भाविका ढोगले गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट देखते हैं। बाकी सभी सुविधाएं हैं, लेबोरेटरी है, फार्मेसी है। हमारा ये हॉस्पिटल का मुख्य उद्देश्य ये था कि लोगों को जो सर्विसेज मिले, क्वालिटी सर्विसेज मिले और कुछ अफोर्डेबल कॉस्ट में मिले। जैसे हम ही यहाँ दिन भर 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं कि पेशेंट की हम ज़रूरत समझ पाए। पेशेंट तो आता है अपनी बीमारी लेकर, उसकी काफ़ी सारी तकलीफें होती हैं। अब सिर्फ हॉस्पिटल का काम सिर्फ इतना नहीं है उसको मेडिकली ठीक करें, हमारा काम ये भी है कि हम उसे उनका जो दर्द है, उनका बाकी भी चीज़ें होती हैं, फाइनेंशियल होती है, ठीक है हम उसको लेवल पूरा नहीं कर सकते, जितना लेवल हमसे हो सके उनसे इमोशनली कनेक्ट करके हमको एक पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप बनाना है, ताकि ये रिलेशनशिप एक लॉन्ग टर्म तक चले। पेशेंट को डॉक्टर पे भरोसा होते हैं। अब हम 10-15 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत हमारे पुराने पेशेंट भरोसे हमारे हम आते हैं, हमको ढूंढते हुए ही आते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये भरोसा और लोगों में बढ़े और बाकी पेशेंट को सुविधा की लाभ हो और हमसे जुड़े। सर इस वक्त जो देशवासी आपको देख रहे हैं, आपसे जो परामर्श लेना चाहते हैं या संपर्क करना चाहते हैं तो किस प्रकार वो आपसे संपर्क कर सकते हैं? हमको गूगल पे ढूंढा जा सकता है, इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नागपुर के नाम से। हमारी इंस्टाग्राम फेसबुक पे ID है और नीचे दिए हुए नंबर्स के द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सर आपने हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी दी डायबिटीज़ पे, उसके लिए आपका शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद। इस शादी सीजन पर सचिन लाइफस्टाइल आपके लिए लेकर आया है शादी के लिए कपड़ों की भरपूर वैरायटी, वेडिंग कलेक्शन, किड्स कलेक्शन, लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर। नई वैरायटी पर पाए 15% तक का डिस्काउंट, तो हो जाइए तैयार इस शादी सीजन के लिए सचिन लाइफस्टाइल के साथ। और अब हमारी शाखा उपलब्ध है सचिन एंटरप्राइजेस रामेश्वरी नागपुर। हमारा पता शताब्दी चौक बेलतरोड़ी रोड रामनगर नागपुर। आर यू लुकिंग फॉर बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट? देन कम टू ANS Academy, आंसर टू ऑल योर ड्रीम्स। को फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ ANS Academy, Mr. Nihal Shahare एंड Mr. Jay Edlewar provides you best teaching methods. IITG Main plus Advanced, NEET, MHT, CET plus 11th or 12th, 8th, 9th, 10th Foundation, MHT, CET crash courses. Choosing ANS Academy is best thing for students. We provides monthly career counseling, monthly online test, 24/7 doubt clarification, batch size 30, experienced faculties. Pick and drop nearest metro, residential facility also available. Let's achieve your dreams together. गहनों के बिना महिलाओं का साज, श्रृंगार, तीज त्योहार और शादियां है अधूरी, इसलिए गहनों की खरीदी है जरूरी। अब सोने की चमक से अपनी खूबसूरती में लगेंगे चार चांद, क्योंकि खरवड़े ज्वेलर्स है एक विश्वास का नाम। स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता की गारंटी देने वाले खरवड़े ज्वेलर्स विश्वास में परखा हुआ नाम है। खरवड़े ज्वेलर्स में आपके लिए सोने के गहनों के आलीशान डिजाइन
और हर डिजाइन की उपलब्धता है, तो देर किस बात की। गहनों का भरोसा जीतने में कामयाब रहे खरवड़े ज्वेलर्स में आइए और आपकी खूबसूरती में भी चार चांद लगा देने वाले गहने को ले जाइए। हमारा पता बजरंग नगर मानेवाड़ा रोड नागपुर। संपर्क करें अनिल खरवाड़े 9860315854 0712404197। चौहान सर के मार्गदर्शन के अंतर्गत टारगेट साइंस एकेडमी आज स्वाभिमान के साथ खड़ी है। अभियांत्रिकी वैद्यकीय तंत्र विज्ञान 11वीं 12वीं विषयों की सभी प्रकार की किताबों से सुसज्जित अद्यावत ग्रंथालय, खूबसूरत परिसर, परिसर में वाईफाई की मुफ्त सुविधा तथा छात्रवृत्ति अर्थात स्कॉलरशिप की योजनाएं, विद्यार्थियों की शैक्षणिक मुश्किलों को हल करने के लिए अनुभवी शिक्षकों का दल, विद्यार्थियों के लिए पर्सनल काउंसलिंग तथा डाउट्स क्लियरेंस सेशन की व्यवस्था। आज ही संपर्क करें टारगेट साइंस एकेडमी, उमरेड रोड अपोजिट काले हॉस्पिटल, दिघोरी, नागपुर।